हेलो गाइस, वेलकम टू बीस्ट मंत्रा, बैक टू अनदर वीडियो। एंड टुडे आई वाज डिस्कस अबाउट पुनीत राजकुमार। सही सुना गाइस, पुनीत राजकुमार का बहुत ही बुरी तरीके से डेथ हो गया। और सबसे बड़ी जो बात है ना, ये फिटनेस इंडस्ट्री में एक के बाद एक मौत। इस जिम में कार्डियक अरेस्ट, उसके बाद जिम में मौत, यार ये चीज सबसे हिला देने वाला बात है। और इसको लेके जो सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, वो है बहुत तरह का मिथ के यार, कोई बोल रहा है स्टेरॉयड लेके मर गया, कोई बोल रहा है इसके लिए मर गया, कोई बोल रहा है कुछ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के लिए मर गया, लेकिन रीजन क्या है? तो आज उसी को लेके हम लोग बात करेंगे बीस्ट मंत्रा में। और दोस्तों, जो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक में, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पुनीत राजकुमार को लेके। एक्चुअल में पुनीत राजकुमार के साथ क्या हुआ था ये तो किसी को नहीं पता, ये सिर्फ पुनीत को ही पता होगा। तो दोस्तों, लेकिन बहुत लोग बहुत कुछ मिथ फैला रहे हैं। जो सबसे मतलब अच्छा नहीं लगने वाला बात है ना, वो है अब तो दोस्तों लोगों ने मतलब ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि जिम करते हुए या इंसान का मौत हो जा रहा है, अब क्या जिम जाना सही है, अब तो वर्कआउट भी रिस्की बन गया है, अब जिम में ही लोगों का मौत हो रहा है। लेकिन जो लोग इतना सा भी जिनको नॉलेज है ना, उनको पता है कि ये सब कुछ नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। और मैं अभी आप लोगों को वही समझाऊंगा कि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री में ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है, बहुत सारे नामचीन, इसके पहले सिद्धार्थ शुक्ला भी मतलब सब बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट के बाद कार्डियक अरेस्ट से मर गया। तो ऐसे जो, और कितना उम्र ही कितना था, ओनली 46 यार, मतलब कुछ भी नहीं है 46 यार। तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अभी रिसेंटली क्यों ऐसा हो रहा है? तो आज इसी बात को मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। उसके पहले दोस्तों एक बात आप लोग अच्छे से समझ लो कि ये सब स्टेरॉयड या मतलब परफॉर्मेंस एनहेंसिंग जो ड्रग्स है, इसके वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, जब हम लोग कोई भी बहुत ही हाई एंड्योरेंस वाले वर्कआउट करते हैं या बहुत ही हाई हिट कार्डियो करते हैं, उसके वजह से हम लोगों का जो हार्ट रेट है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, उसके वजह से जो हार्ट बीट है वो इतना फास्ट हो जाता है कि प्रॉपर रिकवरी के पहले ही अगर हम लोग फिर वो दूसरा वर्कआउट पकड़ लेते हैं, या रिकवरी के पहले ही अगर हम लोग वर्कआउट को कंटिन्यू करते हैं, तो ये हार्ट के ऊपर एक अलग से प्रेशर देना होता है। तो हार्ट यार कभी कोई किसी का स्ट्रांग होता है ले लेता है, किसी का नहीं होता है तो उसका डेथ हो जाता है। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन में, यहाँ पे जो पुनीत वर्कआउट कर रहा है, आप लोग देखो सही से, ये वर्कआउट यार ज्यादातर मसल ट्रेनिंग नहीं है, पूरा कार्डियो के ऊपर वर्कआउट है। आप लोग देखो सही से, जैसे अभी बफीज कर रहा है या सुपरमैन पुशअप कर रहा है, ये जो वर्कआउट जो कर रहा है पुनीत, सही से हम लोग देख रहे हैं, ये जो देखो पुनीत कर रहा है अभी, ये वर्कआउट पूरा बेस्ड ऑन कार्डियो, बेस्ड ऑन सर्किट, बेस्ड ऑन क्रॉसफिट वर्कआउट हो गया। तो ये सब जो वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली अगर कोई मसल ग्रुप हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों का पर्टिकुलर एक मसल टारगेट रहता है, तो इस वजह से उतना कुछ इशू नहीं होता, या हम लोगों का जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, इतना फास्ट नहीं होता। लेकिन जब भी हम लोग कार्डियो करते हैं, ओवरऑल बॉडी को एक साथ हिट करते हैं, तो उस टाइम में हम लोगों का जो हार्ट रेट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। उस दौरान अगर प्रॉपर रिकवरी नहीं होता या किसी का भी कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उस टाइम उसको वहीं पे वर्कआउट स्टॉप कर देना चाहिए, ना कि कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ दिन पहले दोस्तों एक शायद ही बेंगलोर में एक लड़के का डेथ हो गया, जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी आप लोग देख लो, आई बटन में है, जो डेथ हो गया था वो भी रीजन सेम ही था कि लोग बोल रहे हैं ना कि स्टेरॉयड की वजह से। तो आप ये वीडियो देखो पुनीत का, इसमें यार कौन से मतलब उसका मसल देख के लग रहा है कि वो स्टेरॉयड लेता था, वो एनाबोलिक्स के ऊपर था, या तो वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स लेता था? मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरे जो नॉलेज है, मेरे पास जितना नॉलेज है या मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मेरे को तो इतना सा भी नहीं लग रहा है कि पुनीत ने कुछ यूज़ किया है। बस उसका जो वर्कआउट स्टाइल है, उसका जो वर्कआउट पैटर्न है, वो पूरा सर्किट, क्रॉसफिट और कार्डियो बेस्ड है।
तो उस हिसाब से उसका हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा चलता है। सपोज आप लोग जो जो वर्कआउट करते हो, आप लोगों को पता है जिस दिन आप लोग कोई इंडिविजुअल मसल ग्रुप करते हो उस दिन आपका जो हार्ट रेट रहता है, और जिस दिन आप लोग कार्डियो या तो सर्किट या तो क्रॉसफिट वर्कआउट करते हो, अगर करते हो तो आप लोगों को पता ही है दोनों में कितना अंतर है। और मैं खुद एक जिम ट्रेनर हूं, मैं वर्कआउट करवाता हूं लोगों को, मैं अपने आंखों के सामने यार हर रोज देखता हूं कि एक नॉर्मल मसल ग्रुप करवाना और कार्डियो, फिर उसके साथ सर्किट, फिर उसके साथ क्रॉसफिट, ये सब वर्कआउट करवाने में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो हम लोगों को ये समझना है कि कौन सा वर्कआउट किसके लिए है, पहली बात है, और बॉडी कितना ले पाता है। क्यों हम लोग बात बात पे बोलते हैं यार एक पर्सनल ट्रेनिंग में अंडर तुम करो, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कैपेसिटी क्या है, या उनका मतलब कितना दूर तक वो लोग जा सकते हैं, या कितना वो लोगों का बॉडी झेल सकता है, जो कि हम लोगों के पास वो नॉलेज है। तो हम लोग जब देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है या वो एक्सेसिव लेवल में चले जा रहे हैं, तो उनको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। बेसिकली जो बिगिनर से वो अपने आप को ये चीज कर नहीं पाता। तो दोस्तों मेन बात ये है कि पुनीत ईशा सॉरी जो पुनीत राजकुमार है उनका वर्कआउट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो वर्कआउट वो कर रहा है वो 99% वर्कआउट क्रॉसफिट सर्किट एंड कार्डियो बेस्ड है। तो इस दौरान करते करते ऐसा हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, जबकि उनको प्रॉपर तरीके से रिकवरी नहीं मिला, या प्रॉपर तरीके से वो रेस्ट ना लेके वो अपना दूसरा सेट्स या दूसरा वर्कआउट में मतलब अपने बॉडी को एनहेंस किए, तो इसके बदले में क्या हुआ, उनका हार्ट और वो कैपेसिटी नहीं ले पाया, वो लोड नहीं ले पाया, उनका हार्ट फेलियर हो गया। सिंपल सी बात है। और रहा बात स्टेरॉइड्स का, रहा बात ड्रग्स का, रहा बात एनाबोलिक्स का, यार स्टेरॉइड एनाबोलिक या ड्रग कुछ भी कह लो, ये लेके हाँ डेथ होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डेथ नहीं होता है, लेकिन ये लेके पहली बात है ना तो पुनीत राजकुमार कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, ना तो पुनीत राजकुमार कोई बहुत मतलब अपना फिजिक को ग्रो कर रहा है कोई मूवी के लिए, या बहुत मस्कुलरिटी ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख ही पा रहे हो कि कैसा बॉडी पैटर्न है। तो इसीलिए हम लोग ये दावे के साथ नहीं बोल सकते कि स्टेरॉइड के लिए डेथ होया। प्लीज आप लोग ये मिथ फैलाना बंद करो कि यार स्टेरॉइड ले लिया मर गया एक्टर, ये बंदा ये ले लिया मर गया। अरे यार चीज लेके यार हमेशा डेथ नहीं होता, उसका बॉडी कंडीशन कैसा है आप लोगों को है पता ही नहीं है, तो आप लोग बेकार में क्यों यार मिथ फैला रहे हो और क्यों लोगों को डरा रहे हो, खास करके लोगों को डरा रहे हो। आज ही का बात है, मैं जिम से लौट रहा हूँ, मेरा जिम में बात हो रहा है, मैं निकलने के टाइम सुना कि देखा वो एक्टर मर गया, क्यों मरा, स्टेरॉइड लिया था। अरे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा एकदम नहीं होता है कि स्टेरॉइड लेने से बंदा मर जाता है, और जो बंदा स्टेरॉइड लेता है 99% वो बंदे किसी के अंडर में गाइडेंस में के थ्रू वो ले रहा है, ऐसा नहीं है मर्जी हुआ दुकान से खरीदा ले लिया, और ऐसे अवेलेबल नहीं भी है मार्केट में यार, तो समझा करो बात को। मेन थिंग इज दैट कि एक सब कुछ गाइडेंस के अंदर होता है, और हर चीज का एक प्रॉपर वे ऑफ टेक्निक है, अगर आप लोग उसको पकड़ नहीं पाओगे, अगर आप लोग उसको नहीं जान पाओगे, तो आप लोगों के मन में ये सब चीज हमेशा घूमता रहेगा, जितना दिन आप लोग वर्कआउट करते हो, अगर आप वर्कआउट छोड़ते भी हो कुछ भी हो जाओ, आप लोग इस चीज को लेके क्रिटिसाइज करते जाओगे। लेकिन द मेन थिंग इज दैट के हार्ट का अपना एक कैपेसिटी है, जब वो लोड ओवरलोड हो जाता है तभी ये इंसिडेंट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बीस्ट मंत्रा को, और नए नए वीडियोस का इंतजार करो। साथ ही साथ मैं गुड न्यूज देने वाला हूं कि 90 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आज डे वन है, तो आज मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, लेकिन अभी लीन बिगिनर्स के ऊपर जो वीडियो आने वाला था वो अभी तक मैंने शूट स्टार्ट नहीं किया, बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। और 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो वर्कआउट है वो जिस दिन मैं थोड़ा क्रिएटिव वर्कआउट करूंगा उस दिन से वीडियो बनाऊंगा, लोग आपको दिखाऊंगा कि कुछ क्रिएटिविटी अपने वर्कआउट में लाना चाहिए, डिफरेंट चीज करना चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या होता है यूज टू हो जाता है सेम वर्कआउट के ऊपर, तब बॉडी में उतना चेंजेस नहीं आता, तो इसीलिए चेंज करना चाहिए, और वही चेंज मैं दिखाऊंगा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में बीस्ट मात्रा में। इसलिए चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जब वीडियो आता रहेगा आप लोगों के पास अपडेट आता रहेगा। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सब हेल्दी रहना, फिट रहना, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।